नमस्कार, इंडिया लैब न्यूज में आपका स्वागत है। इस गांव को विकास कार्य करेंगे मनीष वर्मा, बीटीसी प्रत्याशी। दलिया विकासखंड द्वार अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरेमनपुर पीपल पार्टी की स्थिति जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव सुरेमनपुर पीपल पार्टी आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उक्त बातें ग्राम पंचायत सुरेमनपुर पीपल पार्टी मनीष वर्मा बीडीसी प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस, सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स, ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 70% सदुपयोग नहीं किया गया। यदि गांव की सुधी जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। मैं मनीष कुमार वर्मा, ग्राम सभा सुरेमनपुर उर्फ पीपल पार्टी के, मैं क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री भी हूँ। अब बलिया जिला के स्वर्णकार संघ के मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। जी, जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्या चुनाव चुने हैं? मेरा चुनाव निशान अनार है और मैं सम्मानित ग्राम सभा के जनता से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, करवर्त प्रार्थना करता हूँ कि वो एक बार मुझे मौका दें और मुझे वोटिंग करें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। जी, अभी कोरोना चल रहा है, इसके विषय में क्या बताएंगे? जी, निश्चित रूप से कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी महामारी है। मैं सम्मानित जनता से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके, डिस्टेंस बना करके, मास्क लगा करके वो वोटिंग करें और मैं अपने तरफ से सम्मानित ग्राम सभा के जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करें कि किस तरह काम हुआ है गांव में। जी निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आज तक जो भी बीडीसी प्रत्याशी या क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी हुए हैं, आज तक उनको इसका महत्व समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, अपने सम्मानित जनता को, कि 5 साल में मैं उनको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा, साबित करके दिखा दूंगा कि क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी का महत्व क्या होता है। निश्चित रूप से आने वाले कल में वो जनता जो भी आगे प्रत्याशी आएंगे क्षेत्र पंचायत के लिए, उनसे ये सवाल जरूर करेंगे कि पीछे जो हमने प्रत्याशी चुना था उन्होंने जो विकास किया है, उसके बाद आप बताइए आप क्या करेंगे। जी,